दस अंकों का नंबर होता है, आप लोगों का जो नंबर होगा मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है। हजारों हजारों लोग महंगा टेस्ट करवा लिए, जीरो नंबर उनका, उनका मोबाइल नंबर जीरो। अरे देखो 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 इनका पार्टी का क्या निकल गया। लेकिन सरकार ने भी इसमें ये इस तरह से जनता के प्रति भेदभाव रखा कि इस स्टेट को देनी है, स्टेट को नहीं देनी, और एलिगेशन क्या लगा। सुन, ये योजना था कांग्रेस पार्टी खाद बनाओ योजना, शौचालय मत दो, खेत में उनको जाने दो। अच्छा, ये इनकी 25 साल दारू पीने की समस्या की लिमिट थी, केजरीवाल उसको 21 साल कैसे कर गए, और एक पौवा फ्री दे करके इस दिल्ली का विकास कैसे होगा, ये मॉडल हमें समझा दे। जैसे ही अभी सरकार बनी हिमाचल में, डीजल में 80 पैसे का रेट बढ़ा दिया कांग्रेस की सरकार ने, महंगाई कम होगी, रेट बढ़ेगा डीजल का तो पेट्रोल वो ट्रक भाड़ा कम लग जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी। उसके बाद बिजली का रेट कर्नाटक में बढ़ गए, हिमाचल में बढ़ गए, तो हर जगह जहाँ जहाँ इनकी सरकारें आई वहाँ तो रेट बढ़ ही रहा है। तो फिर हम उसको चुनेंगे ना, जहाँ पर हमें महंगाई थोड़ा कम असर दिखा, जहाँ पर पेट्रोल डीजल के काम कम मिल रहे हैं, हम उसको चुने। या हम हवाबाजी की बात करें, ना तथ्य हो, ना तर्क हो, ना कोई डाटा हो, लेकिन हम क्या करेंगे, नहीं महंगाई बहुत है। तो जनता अनुभव करते क्यों कांग्रेस 3 राज्यों में महंगाई को बड़ा मुद्दा नहीं बना पाए, क्योंकि जनता का अनुभव है और जनता कंपेयर करती है, और जनता कंपेयर करके जिसको देता है उसको दे देती है। सच्चाई यही है, इसमें क्या बुरा है। क्या कहेंगे आप इनकी बातों पर कि अगर जनता महंगाई नहीं देख रही है, जनता चेहरा देख रही है और जनता को महंगाई नहीं लग रही है। भाई साहब मैंने अभी क्या बोला, जनता में ये भाई साहब को मैं तय नहीं कर सकता, उसका कारण है, उसका कारण है। सुन लो, सुन सुन, अपने आप को जनता कहो वो ठीक है, मैंने सुन लो, मेरी बात मुझे पाकिस्तान भेज रहे हो, मैंने सुन तो लो, मेरी बात तो सुनो, मुझे पाकिस्तान। अब ये तय कौन करेगा, सवाल महंगाई का मुद्दा है, आम गरीब जनमानस का। एक मिनट सुन दो, मैं भाई साहब एक ये तय कौन करेगा। अब आपको निकलना इसी कैमरे के माध्यम से आम जनता के बीच में निकलना है, निकलना किसके पास है, बिना बताए किसी को अल्टीमेट दिए, और आप रिक्शे वाले से पूछिए कि बाबू महंगाई है क्या नहीं, तो वो चाचा ही बोलेगा बाबू महंगाई है। संख्या बड़ी, इसका एक लाइन है, डिमांड बढ़ती है यानी परचेज पावर, लोग खरीदेंगे ज्यादा तो उसका रेट बढ़ेगा ज्यादा, और खरीदेंगे क्यों ज्यादा, क्योंकि पॉकेट में पैसा आएगा तब खरीदेंगे। ये भारत का इकोनॉमिक्स है, जिसको अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी नहीं समझ पाए थे, या तो ये नहीं समझ पाए या तो हम नहीं समझ पाए। अब मेरी बात सुनिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, अब इस कैमरे के माध्यम से हम अब किसी भी हॉस्पिटल चलते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, वहाँ सुन सारे मैं ले तो चल रहा हूँ, आप सुन तो लो। हम एक यहाँ जैसे आप बात करना चाहते हो, देखो तरीका ही है डिबेट का। हम किसी भी अस्पताल चलते हैं, वहाँ अस्पताल में लोग बेचारे बाहर अपने इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए बैठेंगे, हम उनसे पूछते हैं, वो देश के बेसिक इंसान मूलभूत रूप से वो व्यक्ति है, वो सच्चाई बताएगा, वो क्यों बताएगा। सुन लो, यहाँ तो कुछ लोगों का डेली काम है डिबेट करना, उनका काम तो प्री, वो तो कुछ भी कह सकते हो, उनको किसी की पार्टी की फेवर में बात कर सकते हैं, वो व्यक्ति किसी पार्टी की फेवर में बात नहीं करेगा, वो बताएगा जो उसके जीवन में रोज चल रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति है। सुनो सुनो सुनो, वो व्यक्ति है, अरे आपके पास जवाब नहीं है, सुन लो, वो वह व्यक्ति है। मैं जनता के सामने कह रहा हूँ कि मैं सरकारी हॉस्पिटल में भी जाऊंगा और वीडियो बना के इनके पास शेयर भी करूंगा, ठीक है, लगातार पूरे देश में चलाइए। अभी आप एक अस्पताल तय करिए, अभी हम एम्स में चलते हैं, चलो एम्स के बाहर, आप वहाँ पे पूरे देश से प्रदेश से अपने लोग इलाज के लिए, एक आम नागरिक, एक रिक्शे वाले से लेकर अड़ानी मनी तक आता है वहाँ पे। अभी चलते हैं, सुनो अभी चलते हैं, मैं आपको पे करूंगा, मेरी गाड़ी खड़ी, आप साथ में चलिए, और वहाँ मैं बोलूंगा वहाँ व्यवस्था चेक करिए सरकार की, कितने प्रतिशत पहले ठीक थी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, और आज कितनी ठीक है, तो वो पता कौन बताएगा, ना मैं सच बताऊंगा, सुनो ना ये व्यक्ति सच बताएगा, नहीं, सच बताएगा। नहीं, 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 वो जनता बताएगी सच, वो जनता बताएगी झूठे। अरे मैंने क्या बोला, इसी कारण से, इसी डेली का काम है, मैंने क्या बोला, इनको प्रवक्ता बनना है। अब जितना अच्छा पार्टी के ऊपर बोलेंगे तो प्रवक्ता तो ही बनेंगे। अच्छा अच्छा, अब मैंने जब रेट बता दिया 44 रुपया और 52 रुपए, तो ये हमें घोषित, अब से कह रहे थे मुझे कांग्रेस की मत बताओ, और मुझे भाजपा ही ये बता रहे हैं, मेरी नागरिकता छीन ली, वो भाईता वोटो वाले की नागरिक जवाब तो दे दूं, ये नागरिकता मेरी मत छीनना। ऑटो वाले को भी इन्होंने भारत से आउट कर दिया, मुझे भी भारत से आउट कर दिया, क्योंकि मैं रोटी नहीं खाता, मैं चावल नहीं खाता, मेरे पिताजी के पास नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ की संपत्ति नहीं है, मेरे भाई क्यों नहीं है,
2000 करोड़ नेशनल हेराल्ड की संपत्ति क्या देश की संपत्ति नहीं थी? उस पे बात नहीं करो, उस पे बात क्यों नहीं होगी? जब बात होगी, हाँ जब बात होगी तो 1100 करोड़ के बंगले की भी बात होगी और फिर नेशनल हेराल्ड की भी बात होगी। बात तो जनता के बीच होगी। खैर खैर, एम्स की बात ये कर रहे हैं, एम्स की बात कर रहे हैं भैया, एक एम्स क्यों था वर्षों तक? नेहरू जी ने एक एम्स बनाया, दूसरा एम्स किसने बनाया? वाजपेयी जी ने 50 साल बाद। तीसरा एम्स किसने बनाया? मनमोहन सिंह जी ने। और 3-4 खत्म। मोदी जी के राज में 16 में बिहार से हम आते थे दिल्ली, आज पटना में एम्स है, देघवर में एम्स है, और जमीन दे दिए होते नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी तो दरभंगा में भी बन गया होता। पीजीआई कितने थे, मेडिकल कॉलेज के सीट्स कितने थी, मेडिकल कॉलेज कितने थे, ये तो डाटा है। अरे एयरपोर्ट में हमारे यहाँ हवाई जहाज पे कौन चढ़ता था? जब किसी के मृत्यु की खबर आ जाए ना तो जल्दी से लोग भागना चाहता है कि मरा मुंह देख ले जल्दी। पटना उतरता था और वहाँ से लोग गाड़ी पकड़ के बाहर भागता था। आज दरभंगा में एयरपोर्ट, देघवर में एयरपोर्ट, पूर्णिया में बनने जा रहा है। आप बता दो, मैं बिहार से आता हूँ ना, इसलिए मैं बिहार का नक्शा एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो इस आधार पर आप मुझे बता दो, जम्मू कश्मीर में एम्स नहीं था? कश्मीर में एक एम्स, जम्मू में एक एम्स। अच्छा, अब ये कहेंगे कि बुलेट ट्रेन क्या हुआ? बुलेट ट्रेन की जमीन को वर्षों वर्षा तक यू ही महाअगारी कांग्रेस शिवसेना की सत्ता। गरीब आदमी कब बैठेगा? गरीब आदमी कब बैठेगा? पूरे देश का आम नागरिक, पॉलिसी की बात करते हैं भाई साहब, पूरे देश का आम नागरिक, एक योजना बनाई कांग्रेस ने। अच्छा, अब आम नागरिक, गरीब नागरिक वो लोटा लेके जाता था खेत में सुबह में, और जिसके खेत में जाता था ना वो गरियाता था, इवन हाथ से उठा मिलती थी, खाद मिलती थी। अरे भैया, इनका तो योजना था ना, इन्होंने क्यों नहीं शौचालय बनवाया? ये योजना था, कांग्रेस पार्टी खाद बनाओ योजना, शौचालय मत दो, खेत में उनको जाने दो। अच्छा, ये इनकी योजना थी। आज देखो नहीं डेटा, ये योजना की आपकी समय को मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मुझे डिस्टर्ब मत करना। शौचालय लेकर के पहले जाते थे, आज देश के कई जिले ऐसे हैं जो शौचालय वो खेत में, इसकी समस्या, सैनिटाइजेशन की समस्या दूर हुई, दूर हो गई। मेरे यहाँ भागलपुर की बात मैं सुन लो, मनीष तुम्हें बुरा लगे या अच्छा लगे, भागलपुर की समस्या सुन लो। मेरे यहाँ आर्सेनिक का पानी आता था, हैंडपंप से आर्सेनिक का पानी जहर है, कैंसर बनाता है। कैंसर की समस्या बहुत ज्यादा देश में बढ़ती जा रही है। पता है फिर क्या हुआ? आज मेरे घर में हर घर जल योजना से भागलपुर में पहुंचा, और ये काम देखने के बाद अब बताओ कि हम उसको करें कि जो एक एम्स बना हुआ रहना चाहिए क्योंकि हमारे नेहरू जी का नाम रहेगा, दूसरा एम्स बनाना ही नहीं है, उनको हम वोट करें? हमारे पास विकल्प नहीं है ना, दो ही विकल्प है, या तो कांग्रेस या तो भाजपा, तीसरी कोई देश को चला ही नहीं सकती है, देश को बनाने लायक नहीं है, जो आएगी लूटेगी। देश को दो ही चला सकती है, दोनों के पास अपनी पॉलिसी है। एक की पॉलिसी है कि मेरा नाम हमेशा होता रहे, नाम के भूखे तो हर प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन एक परिवार का नाम चलता रहे, एक ये है। और दूसरा ये है कि नाम नहीं प्रधानमंत्री योजना चलेगा, किसी का नाम क्यों लेना? ठीक है अमित भाई, अब इनको मौका दिया जाए। ये कह रहे हैं कि घर घर योजना पहुंची, शौचालय बने, गरीबों के घर बने, गरीब परेशान नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्या शौचालय, मैं भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि शौचालय क्या माननीय मोदी के भी बात सुनो, माननीय मोदी जी के आने से क्या शौचालय बने? इससे पहले के शौचालय दिल्ली में नहीं थे क्या? ए ए ए ए ए ए ए ए एक मिनट, हो सकता है भाई गए होंगे, हो सकता है भाई गए होंगे, मुझे पता नहीं, अभी बेचारे कब दिल्ली में बसे हैं मुझे नहीं पता इस बारे में। मैं आपको प्रमाण भी सुन दो, मैं प्रमाण भी, जितनी भी अनऑथराइज दिल्ली में कॉलोनी है, चाहे मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, बड़े स्केल पर यहाँ वोट है जो दिल्ली की दिशा को तय करता है, हार और जीत का। सुन लो, सुन मेरी बात तो सुनोगे भाई, गाँव में बसता है, गांधी जी ने कहा था हम गाँव में। हाँ तो वही हम भी बोल रहे हैं, गाँव तक तुम पहुंचो, गाँव को ही डेवलप करना है पहले, तभी देश डेवलप होगा। हम भी बात पा रहे हैं उसी, एक मिनट यार रुक तो जाओ, आप वो भी तो नहीं कर रहे हैं ना, सवाल तो ये खड़ा है। आप किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, उत्तर प्रदेश में 75 समथिंग जिले हैं, मुझे नहीं पता कितने जिले से आइडेंटिफाई है, लेकिन मैं तो काफी जिले घूम के बैठा हूँ ट्रेवल, अपने पैसे से, किसी पार्टी के पैसे से नहीं, अपनी गाड़ी से खुद सर्वे करा है मैंने। आप किसी भी गाड़ी वहाँ पे किसी भी जिले में चले जाइए, और जिले के अंदर में जितने भी जो टॉयलेट अभी माननीय मोदी जी की सरकार के माध्यम से मिले हैं लोगों को, मैं बोल रहा हूँ कि एक गांव की आबादी लगभग 6-6.5 हज़ार समथिंग होती है, एक बड़े गांव की आबादी, ठीक है, 7 भी होती है। गरीब आदमी के एक गाँव में 7 हज़ार तो नहीं होगा,
लगभग 100-200 घर होंगे। वहाँ खुद आप सर्वे करिए कि कितने लोगों को अभी तक, जबकि मोदी जी की योजना थी, जो मकान की योजना जो थी वो गरीब आदमी को किसको देना, जिसके कच्चे मकान होंगे, जिसके पास छत नहीं होगी, ये योजना थी। मैं बोल रहा हूँ अगर एक गांव के अंदर 6000 की आबादी है ना, तो मैं मानता हूँ कि 400-450 आदमी के पास वो लोग थे जिनके पास छत नहीं थी। घर किसको मिले? जिनकी समय के अनुसार सिस्टम में सेटिंग थी उस व्यक्ति को घर मिले। और ये 7 सांसद हमने लोकसभा में भेजे भारतीय जनता पार्टी के, तो दिल्ली की जनता को 2018 में योजना बनी थी आयुष्मान योजना, 19 में लागू मूल रूप से हुई थी, लेकिन सरकार ने भी इसमें ये इस तरह से जनता के प्रति भेदभाव रखा कि इस स्टेट को देनी है, स्टेट को नहीं देनी। और एलिगेशन क्या लगा, सुन लो, एलिगेशन क्या लगा दिया कि जनता लेना नहीं चाहती या सीएम ने मना कर दिया। अच्छा। यानी वो वाली बात कर रहे हैं, पापा ने बोला बेटा मैं तेरे को टॉफी दिलाऊंगा और अभी दिला रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि ये सुनो मेरी बात, देखो अब यही बात है, भाई साहब बोल रहे 400, अब इनको एक सीट की नॉलेज नहीं हुई कैसे जीती जाती है, 400 की नवादी सारा नॉलेज हो गया ना मनीष। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मूल अभी आपको लग रहा है पार्टी चीज लग रही है, मैं किसके में बात कर रहा हूँ, किस जनता की मैं कर रहा हूँ। अभी भाई ने क्या जोड़ दी, उससे जोड़ दी, कांग्रेस जोड़ दी, बीजेपी जोड़ दी, जनता के बात इसने अभी तक ये नहीं बोला कि सुनो जनता, अभी तक किसी भाई ने ये नहीं बोला कि जनता के हित में बात करनी चाहिए, बोला किसी ने नहीं बोला ना, निकलना जनता की हित बात करने की अच्छी बात है, लेकिन जो कांग्रेस केजरीवाल का जवाब था उसको इन्होंने बढ़िया पैकेज करके कहता मोदी सरकार ने कहा। अरे इनको पता ही नहीं है कि दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं किया तो किसने, केजरीवाल ने, और ये मोदी से पूछ रहे हैं। अरे भैया पूछो केजरीवाल से, उन्होंने किस लिए कहा था, हाँ उन्होंने क्यों कहा था, बोला हमारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक जैसी इतनी बड़ी व्यवस्था है, हमें नहीं चाहिए उज्ज्वला आयुष्मान। हाँ 2020 चुनाव तक उसने लागू नहीं किया, कोरोना काल में भी लागू नहीं, हाँ बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ ना कोरोना काल तक जब तक नहीं आया था लागू नहीं किया। अब जैसे कोरोना का खर्चा केजरीवाल को उठाना पड़ता, तुरंत कहा कि आयुष्मान लागू करो और लागू कर दिया। और जिस मोहल्ला क्लिनिक के दम पर, जिस मोहल्ला क्लिनिक के दम पर केजरीवाल कह रहे थे कि हम आयुष्मान भारत में ही लागू करेंगे, पता है उसमें 10 अंकों का नंबर होता है, आप लोगों का जो नंबर होगा मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, हजारों लोग महंगा टेस्ट करवा लिए, 0 नंबर उनका मोबाइल नंबर 0। अरे देखो इनका पार्टी का क्या निकल गया, अब मैं केजरीवाल की बुराई करने लगे, इनको बेचैनी होने लगी, ये दिक्कत है। अब रुको सुन लो, धैर्य रखो अभी पूरा होमवर्क क्लास वर्क होमवर्क पॉइंट। अरे मनीष मैं कैसे बता, बोलने तो दो, ये कैसे बता, कौन तय करेगा ये तय, ये इनको ये भी नहीं पता, अखबार पढ़ लेना, खैर आप छोड़ो मनीष भाई। अरे मनीष भाई सुन तो लो, अब देखो केजरीवाल के बारे में बोले आगे लगने लगा और ये कहते हैं हम पार्टी का नहीं है जनता के हैं। खैर उसके बाद 0 नंबर के हजारों लोग मोबाइल नंबर है, 0 आप डायल करोगे 1000 लोगों को कॉल लग जाएगा जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में बहुत महंगे महंगे टेस्ट कराए थे। चलो उसके बाद आगे बढ़ो, इतनी केजरीवाल जी ने सरकारी व्यवस्था इतनी मस्त कर दी तो फिर मोहल्ला क्लिनिक में जांच प्राइवेट अस्पताल में क्यों करवा रहे थे। अच्छा। जिसका ये आरोप लगा, जो ये घोटाला सामने आया कि प्राइवेट हर मोहल्ला क्लिनिक में 4 घंटे के लिए खुलता है, 4.5 घंटे के लिए खुलता है, और 500 से ज्यादा मरीज देख लिए एक दिन में भाई साहब 4 घंटे में। वो डॉक्टर कौन था भाई इतना एक्सपर्ट कि 4.5 घंटे में 533 एक एक दिन में। एक देखो अभी और मिर्ची लगेगी, रुको केजरीवाल के अभी पार्टी का नाम नहीं रहता, जनता के नाम ले रहता है, बस जनता। तो बीजेपी वाले हो ये तो कहते रहे, ये जनता है, ये कांग्रेस वाले नहीं ना, आम आदमी पार्टी वाले, हमें तो कहा ये जनता ही नहीं है, ये तो कह रहा था ये पाकिस्तान का ना जनता, तो इसकी बात मैं सुनो, मैं जनता नहीं, मैं आटा नहीं करता, मैं वोट नहीं करता। अब सुनो भाई, उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक में इतना बढ़िया व्यवस्था कि प्राइवेट जांच होगा प्राइवेट अस्पताल में। अच्छा केजरीवाल ने शिक्षा में बहुत फ्री कर दिया, सरकारी स्कूल में उत्तर प्रदेश बंगाल झारखंड पंजाब किस सरकारी स्कूल में फीस देना पड़ता है, पूरे देश में नहीं देना पड़ता भैया, 1960 से सरकारी स्कूलों में फीस माफ है, दिल्ली में भी सरकारी स्कूलों में फीस माफ है, पूरे देश में 2000, अरे बेचैन मत हो मनीष, अभी और मिलेगा प्रसादी, 2000 स्कूल है वहां दिल्ली में, उनमें कितने शिक्षकों की कमी है,
हर जगह है। और जिन राज्यों में पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, बिहार में 20,000 स्कूल हैं, 25,000-30,000-40,000 स्कूल हैं, वहाँ भी शिक्षकों की कमी है। कौन सा केजरीवाल का मॉडल है भाई? सुनिए, मॉडल में स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, विज्ञान की पढ़ाई नहीं हो रही, डिप्टी प्रिंसिपल नहीं है। और एक बात मुझे बता दो, एक बात बता दो कि 25 साल दारू पीने की समस्या की लिमिट थी, केजरीवाल उसको 21 साल कैसे कर गए? और एक पौवा फ्री दे करके इस दिल्ली का विकास कैसे होगा? ये मॉडल हमें समझा दे।